हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मोटो मोबाइल ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो आज का सुबह का मॉर्निंग का शॉट ऐसा है कि मैं कबीर को और उसकी फ्रेंड को मैं स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, और ये हमारे घर के तरफ काफ़ी सारा बारिश हुआ है, इसके वजह से काफ़ी कीचड़ हो गया है। तो ये सुबह का मॉर्निंग का आप लुत्फ़ उठाएं और मज़े लें। और इस चैनल में जुड़े हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस भाई को आगे बढ़ाएं। मोटो ब्लॉगिंग में आप लोग ज़्यादा कंटेंट अच्छे अच्छे मुंबई से रिलेटेड आपको मिलेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कौन सा लोकेशन में देखना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे वो लोकेशन पे आपको हम जाके बताएंगे विजिट करके कि मुंबई में कौन सा लोकेशन में क्या है। तो अभी हम निकल चुके हैं, ये आया माड़ा कॉलोनी। माड़ा कॉलोनी में बस का काफ़ी ट्रैफिक रहता है, सुबह सुबह बच्चे लोग को बस टाइम पे नहीं मिल पाती, इसके लिए हम बच्चे को फटाफट निकल के उसको स्कूल में छोड़ेंगे। स्कूल में छोड़ के फिर फटाफट हम लोग अपने जर्नी में चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे जाएंगे और लेफ्ट लेंगे और इसकी फ्रेंड को अतिका को हम लोग स्कूल में छोड़ देंगे। स्कूल में छोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फटाफट निकलेंगे और 8 नंबर डिपो की तरफ से होके फिर डायरेक्ट हम लोग काम पे अपने चले जाएंगे। तो अतिका ये जा रही है, अतिका बाय भी नहीं बोली, हाय भी नहीं बोली, सीधा भाग गई। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत वीडियो बनती रहती है, तो आप लोग ऐसा ना घबराए, वीडियो को पूरा वॉच करें। और फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखाना चाहता हूँ तो आप मोटो ब्लॉगिंग में जुड़े रहें। और ये आया 8 नंबर का मैदान और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट लेंगे। फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखाते हैं फिर निकलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और ये आ गया आपका बाजी मार्केट। अब यहाँ से हम लोग 7.5 नंबर से होके 5 नंबर से होते हुए हम लोग जाएंगे अपने घर पे। तो ऐसे ही जर्नी हम लोग बनाते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल पे। तो ये आया आपका 7.5 नंबर बस स्टॉप। और यहाँ से हम लोग जाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका 6 नंबर और 6 नंबर से आते हुए फिर हम लोग जाएंगे राइट 5 नंबर पुलिस चौकी। पुलिस चौकी के इधर से जाते हुए फिर हम लोग आए। अब ये गाड़ी साहब भाई क्या फास्ट चलाया भाई। तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं, इतने फास्ट गाड़ी क्यों चलाते हैं। मोटो ब्लॉगिंग में आप कर रहे हो या फैमिली को लेके जा रहे हो तो गाड़ी स्पीड मत चलाओ, ओवर फास्ट मत चलाओ, क्योंकि रोड बारिश के टाइम पे काफ़ी स्लिप होता है। मेरा 2 बार फाइनली एक्सीडेंट हो चुका है स्लिप के होने की वजह से। तो मैं अब बोलता हूँ कि आप लोग गाड़ी ना थोड़ा आहिस्ता चलाओ। तो यहाँ से अभी हम लोग सीधा निकलेंगे, ये 5 नंबर पुलिस चौकी आएगी और यहाँ से हम लोग सीधा अभी लेफ्ट मार के कच्चे रास्ते से हम लोग अपनी जर्नी की तरफ निकल जाएंगे। तो काफ़ी सारा भाई लोग को कमेंट आ रहा है कि कुछ अलग अलग वीडियो बनाओ भाई, कुछ अलग कंटेंट बनाओ भाई। तो सही बोलते हो भाई, लेकिन मुझे फाइनली टाइम मिलता नहीं है और मैं जो रिलेटिव से काम करता हूँ मुझसे जो बन पाता है वो मैं करता हूँ। और क्रिएटिव में बोले तो इससे अच्छा और भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट आना चाहिए, वाओ ब्यूटीफुल क्या नज़ारा है, आज तो मज़ा आ जाएगा। ये सुबह सुबह का मॉर्निंग बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ब्रिज हम लोग क्रॉस करेंगे फटाफट और ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पहुँचेंगे लिंक रोड। लिंक रोड से होते हुए फिर हम लोग फटाफट इनॉर्बिट इन्फिनिटी मॉल होते हुए हम लोग पहुँचेंगे अपने लोकेशन पे। तो बने रहें हमारे चैनल पे, इस चैनल को बने हैं तो अभी तक वॉच किए हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस भाई को फैमिली, यूट्यूब फैमिली ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया है भाई, तो आगे और भी ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। हम छोटे कंटेंट, छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, आपके हाथ में है भाई कि आप मुझे आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, कमेंट करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ा हूँ भाई, क्योंकि आप ही हमारे YouTube फैमिली हो। आज आप अगर अच्छे से आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम पे मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट में आपको दे सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं GoPro 5 यूज कर रहा हूँ जिसमें क्वालिटी वगैरह थोड़ा कम हो रहा, लेकिन आने वाला टाइम पे अगर मुझे अच्छा पेमेंट वगैरह आया
तो मैं गोप्रो 9, गोप्रो 10, गोप्रो 11 इससे शूट करूँगा। तो मुंबई का लोकेशन काफ़ी सारा अच्छा अच्छा आपको मिलेगा। तो इस चैनल में बने हैं तो भाई प्लीज़ अभी तक नहीं सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें। और यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट लेने के बाद में और फिर हम लोग जाएंगे स्कूल के पास। स्कूल जाने के बाद में फिर उसको हम छोड़ते हुए निकल जाएंगे अपने काम की तरफ। तो फास्ट फॉरवर्ड में आप देख रहे हो तो ऐसा मत समझो, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही कंटेंट यूज होता है। और ये सुबह सुबह का क्या रिफ्लेक्शन आता है, ओ माय गॉड, सही है भाई। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, जो है नेचुरल वो हम दिखाएंगे, जो चीज़ दिखता है वही चीज़ दिखता है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे और ऐसे ही वीडियो कंटेंट आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये जस्ट 2 सेकंड में हम लोग आ जाएंगे अपनी जर्नी पे। तो चलो हम लोग अब आ गए अपने लोकेशन पे, लोकेशन पे जस्ट पहुंच रहे हैं। और आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को कंटेंट को देखते रहें और बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।